हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त पीके, और आप देख रहे हैं टेक बाइट्स विद पीके। अगर आपके पास जियो सिम है और आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो आती है तो आज का वीडियो आप पूरा एंड तक देख लेना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके इंटरनेट की स्पीड एकदम डबल हो जाएगी। मैं आपको बताने वाला हूं जियो की एक ऐसी APN सेटिंग जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके इंटरनेट की स्पीड 100% डबल हो जाएगी। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आपकी इंटरनेट की स्पीड डबल हो जाएगी, और हो सकता है कि डबल से भी ज़्यादा हो जाए। आपको बस करना इतना होगा कि आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा करके दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ कि कैसे आपको अपने इंटरनेट की स्पीड को डबल करना है और कौन सी वो APN सेटिंग है जो आपको अपने मोबाइल में करनी है। आपको वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिलते रहें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी APN सेटिंग है और उसको कैसे सेट करना है। तो APN सेटिंग सेट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। जैसा कि मैं अपने मोबाइल की सेटिंग में अभी आ चुका हूँ, मैंने अपनी मोबाइल की सेटिंग खोल ली है, जैसे मैं अपनी मोबाइल की सेटिंग में आ चुका हूँ। तो चलिए सेटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अभी करेंटली ये दिखा देता हूँ कि मेरे इस समय मोबाइल की स्पीड कितनी आ रही है। तो जैसे कि मैंने अपना वाईफाई इस समय बंद कर लिया है और मेरा मोबाइल डेटा ऑन है, और इस समय करेंटली मेरा जियो का नेटवर्क ऑन है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर LTE लिखा हुआ आ रहा है। तो इस समय मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि बिना कोई APN सेटिंग के इस समय मेरी जियो की स्पीड कितनी आ रही है। तो जैसा कि आपने देखा, इस समय जो मेरी डाउनलोड स्पीड है वो 6.3 Mbps के करीब कुछ आ रही है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी APN सेटिंग है और उस APN सेटिंग को आपको कैसे करना है। तो APN सेटिंग को करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको आ जाना है अब कनेक्शंस पे। मैं सैमसंग वाला मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सैमसंग मोबाइल के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। आपके पास अगर कोई और मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग अपने मोबाइल नेटवर्क वाली सेटिंग को ओपन कर लेंगे। मैं कनेक्शन वाले टैब पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ मोबाइल नेटवर्क पे, और मोबाइल नेटवर्क पे जाने के बाद मैं चला जाता हूँ एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन पे, जिसको बोलते हैं APN। और यहाँ पे जाने के बाद, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, जो मेरा करेंटली डिफ़ॉल्ट APN सेट है वो जियो 4G है, कोई दूसरा APN यहाँ पर नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे एक नया APN सेट करके दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं फिर से आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा कि APN सेट करने के बाद स्पीड में कितना फ़र्क आता है। तो एक नया APN ऐड करने के लिए आप यहाँ पर जो ऊपर ऐड आपको लिखा हुआ दिख रहा है उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आपके मोबाइल में हो सकता है कि ये ऑप्शन आपको यहाँ पर ये जो तीन डॉट्स आ रहे हैं इसको क्लिक करने के बाद मिले। मेरे मोबाइल में यहाँ पर साइड में ऐड लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने खुल के आता है। तो APN सेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो टॉप पे ऑप्शन मिलता है नेम, उस पर आपको क्लिक कर लेना है, और नेम में आपको लिखना है, आपको सेम टू सेम वैसा ही लिखना है जैसा कि मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। आपको लिखना है जियो इंटरनेट बूस्टर, जियो लिख के आपको स्पेस देना है, फिर आपको लिखना है इंटरनेट। यहाँ पे आपको जो जियो का जे है वो कैपिटल रहेगा, इंटरनेट का आई कैपिटल रहेगा, और बूस्टर का बी कैपिटल रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको इस तरह से लिखना है जियो स्पेस इंटरनेट स्पेस बूस्टर, जे आई और बी, ये तीनों लेटर आपको कैपिटल में लिखने हैं, और ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट में आता हूँ APN पर। यहाँ आपको लिखना है जियो नेट पूरा एक साथ, और खाली यहाँ पे स्टार्टिंग का जे कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल लेटर रहेंगे। आपको जियो नेट लिखना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपको प्रॉक्सी नॉट सेट रहने देना है, पोर्ट में आपको नॉट सेट रहने देना है, यूज़र नेम में आपको कुछ नहीं करना है, पासवर्ड में भी आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीधा सर्वर वाले ऑप्शन पे आना है, और सर्वर में आपको लिखना है www.google.com, आपको ये यहाँ पर डाल देना है जैसा कि मैं डाल रहा हूँ। आपको एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है और यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको MMSC में कुछ नहीं करना है, नॉट सेट, MMS प्रॉक्सी नॉट सेट, MMS पोर्ट नॉट सेट, MCC और MNC इसको भी आपको नहीं छेड़ना है, ये आपके एरिया कोड्स होते हैं। अगर आप इसको कुछ भी चेंज करेंगे तो आपकी इंटरनेट की स्पीड बढ़ने की जगह पर और भी ज़्यादा कम हो सकती है, तो इसलिए इसको आपको नहीं छेड़ना है।
फिर उसके बाद आपको आना है ऑथेंटिकेशन टाइप पे, आपको ऑथेंटिकेशन टाइप पे क्लिक करना है और आपको इसको सेट कर देना है पीएपी वाले ऑप्शन पे, सेकंड ऑप्शन जो है पीएपी उस पे आपको सेट कर देना है। एपीएन टाइप को आपको नहीं छेड़ना है, एपीएन प्रोटोकॉल पे आपको क्लिक करना है और आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो होता है IPv4/IPv6 इसको ले लेना है। सिमिलरली आपको एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल वाले ऑप्शन में भी करना है, सबसे नीचे वाला ऑप्शन IPv4/IPv6 आपको ले लेना है। उसके बाद बाकी कोई सेटिंग आपको चेंज नहीं करनी है। इसके बाद जो लास्ट वाली सेटिंग जो होती है बीरर, ये आपको चेंज करनी है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अनस्पेसिफाइड वाला ऑप्शन आपको हटा देना है और उसके बाद आपको उसके अपने टॉप के 7 ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको सिंपल LTE पे सेलेक्ट करके ओके कर लेना है। मेरे मोबाइल में मल्टीपल बीरर सेलेक्ट करने दे रहा है तो मैं शुरू के 7 बीरर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं ओके पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद आपको इस APN को यहाँ से सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर लेना है और सेव करने के बाद आप देखेंगे जबकि दूसरा APN जियो इंटरनेट बूस्टर के नाम से मेरे मोबाइल में बन गया है। अब मैं इसको यहाँ से सेट कर लेता हूँ दूसरे APN को, कुछ देर के लिए आपका मोबाइल का इंटरनेट यहाँ पे बंद हो जाएगा और कुछ ही सेकंड्स बाद ऑटोमेटिक आपका मोबाइल का इंटरनेट यहाँ पे ऑन हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जैसे ही मैंने नया APN सेट किया था तो मेरे मोबाइल का नेट कुछ देर के लिए बंद हुआ और फिर अपने आप चालू हो गया। तो अब हमारा ये नया APN सेट हो चुका है। आप नया APN सेट करने के बाद एक बार अपने मोबाइल को रिस्टार्ट जरूर कर लेना, बिना रिस्टार्ट किए हो सकता है कि APN आपके मोबाइल में ठीक से काम ना करे। तो अब मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ कि नया APN डालने के बाद अब स्पीड कितनी आ रही है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। आपने देखा स्पीड पूरी 5 times इंक्रीज़ हो गई है। पहले स्पीड कुछ 4 to 5 MBPS के करीब आ रही थी और अब पूरी 25 MBPS की स्पीड मुझे मिल रही है, जैसा कि आप अभी मेरे स्क्रीन पर देखा आपने। तो ये था APN सेटिंग जिससे कि स्पीड आपके मैंने आपको दिखाया कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर बताना कि सेटिंग आपके लिए काम करी या नहीं करी। और अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।